गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे. सॉरी, मम्मी के फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे. कमेंट में बताइएगा. बस को इंतजार करने के लिए. मम्मी भी आ रही होगी अभी. ये मम्मी को दिखा रही हूँ. अभी लेट क्यों? मम्मी जल्दी आओ यार, बस आ जाएगा. आ गई. क्या कर रही थी कब से? कपड़ा धो रही थी. कप्पा कपड़ा कप्पा बस चला गया उधर. मम्मी गुड मॉर्निंग. मम्मी लेने आना. मेरे से पहले तो आप लोग को ये गुड मॉर्निंग बोल दी होगी, तो मैं भी गुड मॉर्निंग आप लोग को बोल रही हूँ. तो इसको मैं नीचे आई हूँ स्कूल छोड़ने. स्कूल नहीं, जैसे कि मैंने बस आ रही है, बस डेली ये बस से जाती है. आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को मैं अगले वीडियो में भी बताई. इसका बस भी आ गया. और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, यहाँ हैदराबाद में एक हनुमान मंदिर है, जो कि 6 तारीख को कोई प्रोग्राम है, मुझे नहीं मालूम. लेकिन मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम पे कि वहाँ का एक, जैसे कि पिछले बार भी गांव जाने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाई थी जहाँ हरि कीर्तन हो रहा था हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ पर एक गायक आए थे. तो वो गायक आज मैसेज किए थे कि वहाँ प्रोग्राम है कुछ, वहाँ पर मुझे और मेरे पूरे फैमिली को बुलाया गया है. तो यार, पहली बार मैसेज कर कर कोई मैंने प्रोग्राम में आने के लिए बोला गया है, तो बहुत बहुत मैं खुश हूँ. ऐसे मैंने उन्हें फूल, वो जैसे क्या बोलते हैं, खुशी हमारे फूले नहीं समाते. बहुत मैंने बहुत खुश हूँ. और जो बुलाए हैं मुझे और मेरे पूरे फैमिली को, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ. सिस्टर को मालूम चलेगा ना, वो तो बहुत बहुत खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहेगा. तो चलते हैं उसको बताने, क्योंकि उसको भी बताएंगे ना, वो भी तो जाएगी ना उसको. अनु सुन ना, जल्दी आएगी. सुन ना, विश्वास नहीं करोगी. सुन, एक बात कहना है. वो जो हनुमान मंदिर में गए थे ना, वहाँ हरि कीर्तन हो रहा था, उनका क्या नाम है? बीटू से पता नहीं, ऐसे कुछ नाम था जो गायक. बीटू गायक शायद है. हाँ, जो गायक आए थे वो कल इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं 6 तारीख को, 6 अप्रैल को वहाँ कुछ प्रोग्राम है, 10 बजे बुलाए हैं. चलना है ना? तुमको अलग से निमंत्रण दिए. चलना है, पूरे फैमिली को चलना है. झूठ बोल रही हो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है. सच्ची मैसेज में तुझे दिखा रही हूँ. देखिए, ये मैसेज किए हैं 6 को हनुमान मंदिर में प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आना है आपको. इतने प्यार से मैसेज किए हैं, बुलाएं तो जाना तो पड़ेगा ना. यहाँ अपना नंबर भी दिए हैं, कॉल लगाते. फ्रेंड यहाँ पर किसी पर. नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो क्या हाल चाल? बस बढ़िया. आ गए गाँव से आप? हाँ जी, तो हो गया 5-6 दिन हो गया है. मैं कह रहा था 6 को प्रोग्राम है हनुमान मंदिर में, मॉर्निंग टाइम रहेगा 10 बजे. 6 बजे अप्रैल में, 6 तारीख को. आओ. अच्छा, किस चीज का प्रोग्राम है? हनुमान जयंती है. हनुमान जयंती है. हाँ, बड़ा प्रोग्राम है. उसका मालिक करा रहा है, मतलब जो मंदिर का मालिक है ना. खुद लोग आ रहे हैं ना? हाँ, पब्लिक बहुत रहेगी. तब तो आप इतने प्यार से बुलाए हैं, तब तो हम लोग भी आएंगे. सिंगिंग कर सकते थे आप? आपके साथ तो दो दिन रिहर्सल हो जाएगा. रिहर्सल कर लो. तो मुझे गाना नहीं आता है ना, गाने नहीं आता है. सरस्वती में मेरा गला उतना अच्छा नहीं थी है. मालूम नहीं चलता जी, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, म्यूजिक क्लास लेता हूँ मैं. मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, सिखाता हूँ मैं, सिंगिंग क्लास लेता हूँ मैं. अच्छा, कहाँ पे? ये मोंटेसरी स्कूल आ रही है. हाँ. उसके स्टेट में बिल्डिंग है हमारे. याद किए, बुलाए हम लोग के, इसके लिए बहुत बहुत थैंक. जरूर पक्का हम लोग आएंगे, पूरे फैमिली के साथ हम लोग आएंगे. और मेरे तरफ से भी थैंक्स. क्या बोले? भोजन वही रहेगा आपका? हाँ हाँ बिल्कुल. और प्रसाद, एक बात बताइए, प्रसाद हम लोग क्या लेकर आए? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. प्रसाद
सर ना आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एक्चुअली में हनुमान जी केले चढ़ते हैं, केले लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है। एक नारियल लेके आ गए तो देखो प्रसाद में कोई शंका नहीं होती, आपकी जो मन की श्रद्धा रहती है वो प्रसाद बन गया। अगर प्रसाद ही नहीं तो हम लोग सोच रहे कुछ हाथ से बना हुआ चीज अच्छा रहता। हाँ जी फालतू खर्चा न को करो, पक्का आएंगे। ठीक है तो और सब बढ़िया है ना? और सब बढ़िया है ना? अच्छा चलिए ठीक है, मिलते हैं 6 तारीख को। ओके 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 बाय। ओके जी बाय। तो आप लोग तो सुन ही लिए ये फोन से मैं जो बात की, ये मौका भी दे रहे हैं उनके साथ गाना गाने के लिए, बोल भी रहे हैं कि मैं सिखाऊंगा। लेकिन यार मैंने इससे भी पहले मुझे मौका 2 बार मिला था गाना गाने के लिए या डांसिंग का मौका मिला था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। बेटी के वजह से मैं अपनी लाइफ में इतनी उलझ गई हूँ, बेटी का पढ़ाना लिखाना आप लोग तो समझ सकते हो कि अकेले घर संभालना कितना मुश्किल होता है, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। इस बार ही मैं गई थी अपने गांव, तो उस टाइम भी लोग बोला था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे जाने के लिए कहीं। और यूट्यूब में चैनल इसलिए ओपन की हूँ कि घर भी संभाल सकती हूँ, घर बैठे जॉब भी कर सकती हूँ, बेटी को भी संभाल सकती हूँ और YouTube चैनल पर भी अपना पूरा ध्यान दे सकती हूँ वो भी घर बैठे। तो गाइज ये तो बोल रहे हैं अपने साथ मैंने सिखाएंगे, मेरे गले में सरस्वती माँ इतना ये नहीं है, इतना मैंने वरदान नहीं दी है, ऐसी बात नहीं है उनका कि मैं गा सकूँ, क्योंकि गाने का शौक है यार, लेकिन नहीं गाने आता है मुझे। डांसिंग का हुआ, डांसिंग मैं कर लूँगी, लेकिन गाना गाने बिल्कुल नहीं आता मुझे, थोड़ी बहुत आती है तो देखा जाएगा, देखेंगे। ये भी आप लोगों को बताऊँगी कि सीखने में जा रही हूँ कि नहीं, उनके साथ मैंने गाना गाने के लिए मैंने जा रही हूँ कि नहीं, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। आप लोग बेगम बाजार, अरे हाँ बेगम बाजार से मेरा भी एक मैसेज आया था, वो जैसे कि किसी का दुकान का मैंने वीडियो में लेने का, गाइज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ, और बेगम बाज़ार की तरफ भी बुलाया गया है हैदराबाद में, वहाँ कमेंट में आप लोग बताना, हनुमान मंदिर में जाना है प्रसाद क्या बनाया, हम कमेंट में पक्का आप लोग बताना, क्योंकि आप लोग जो बताओगे ना वो ज़रूर पक्का मैं बना कर ले जाऊँगी पक्का। तो हनुमान जी का मनपसंद लड्डू है, आप लोग सोचते होंगे ना ये मैं कहाँ बैठी हूँ, आप लोग दिखा रहे हूँ कहाँ मैं बंदरिया बंदर की तरह बैठी हूँ, गिर जाऊँगी ना, दिखा रहे हूँ मैं आप लोग को। देखो आप लोग कहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर बैठी हूँ, छत पर आती हूँ ना तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर बैठकर मोबाइल चलाना या मोबाइल से बात करना मुझे। गिर जाओगी बस शांत हो जाओगी। अबे बेवकूफों की महारानी, गिरूंगी नहीं यार, गिरूंगी तो कौन सा, सच में जाओगी? जाना है कब? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मम्मी, आज मुझे खाली चोटी चोट लग रहा है, सुबह में यहाँ देखो यहाँ पर जल गया है मेरा पूरा, ये गैस जैसे कि कुछ मैंने बर्तन बैठा कर चाय बना रही थी, गैस में साफ कर रही थी, सट गया, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, इसलिए सारे लोग मुझे, कोई ऐसा इंसान है कि जो मुझे बहुत बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम कितना हाथ जलाती, ये बात सच है, खाना बनाने में या गैस साफ करने में मेरा हाथ बहुत काफ़ी जल जाता है, बहुत जगह अपने ऐसा जला है, आज की बात ही मैंने ऐसा जलता रहता है, छोटी मोटी बड़ी बड़ी लाइफों में छोटी छोटी आसान है होता है। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं जॉब नहीं गई हूँ, तो बताने में भी बहुत दुख की बात है, दुख क्या, वो तो जॉब है, कोई सरकारी जॉब तो नहीं है ना, प्राइवेट है, आता है जाता है, तो वो मेरे कंपनी का जो कंपनी में काम कर रही थी उसका कॉन्ट्रैक्ट चला गया है, तो इस टाइम मेरा जॉब भी चला गया है, तो जॉब की तलाश में हूँ, बस आप लोग
दुआ करो, आप लोग की दुआ रहेगी तो जल्द जॉब मिल जाएगी। तो इसीलिए यार घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं, मन नहीं कर रहा है घर पर बैठने के लिए। एक दिन भर खाली खाली, कभी मैं घर पर बैठी नहीं हूँ। छुट्टी भी होती थी ना तो चली जाती थी जॉब करने, तो घर पर बैठने में अजीब से लग रहा है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि वीडियो, चलो अच्छा अच्छा वीडियो बनाए, नहीं तो ये अगर जॉब करने जाती तो वीडियो इतना नहीं मिलता, शायद मिलता हाँ, भी नहीं होगा चना हाँ, मिलता भी नहीं होगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। दिन भर जॉब में ही टाइम, फिर आओ तो फिर घर हाँ, संभालो। ये भी कहीं ना कहीं मना रही है कि मेरा जॉब नहीं लगे। नहीं नहीं, आप लोग दुआ करो मेरा जॉब लग जाए, क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल है। एक छोट बेटी, आप लोगों को तो मालूम है ना, छोट बेटी है, उसको पढ़ाना लिखाना घर संभालना बहुत मुश्किल है। बिना जॉब का तो हो नहीं पाएगा। और ऐसे भी अभी यूट्यूब से मेरा पैसा भी नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों की दुआ होगी तो यूट्यूब से मेरा पैसा भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा अगर आप लोगों की दुआ होगी तो। और साथ में दुआ आप लोग करो, जल्दी से जॉब तो मिल जाएगी हैदराबाद में, जॉब की कोई दुख नहीं। बट जो पोस्ट पर मैं थी, घर के बाजू में था, मैंने कि अच्छा मैंने घर का आसपास ही वो जॉब था, मैंने जो पोस्ट पर थी वो पोस्ट पर जल्दी नहीं मिल रहा है। पोस्ट तो मिल रहा है नीचा, जिसे लोग बोलते हैं ना कि नीचे से ऊपर लोग जाते हैं, तो मैं ऊपर से नीचे आऊँ ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, भले मर जाएंगे बिन खाए, लेकिन ऊपर से नीचे मैं आऊँ। तो मैं वही पोस्ट में खोज रही हूँ, कोशिश में हूँ, बहुत लोगों से बात की हूँ मैंने जॉब के बारे में, बस देखते हैं जॉब लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो गाइज बस आप लोग वीडियो को है प्रोग्राम वहाँ हनुमान मंदिर में, तो बहुत जल्द वहाँ वहाँ का भी ब्लॉग में आप लोग को। तू आम खा रहा है रे, लड़की की तरह ये आम खा रहा है, लड़कियों आम खा है, मीठा है। तो ठीक है, बाय बाय, फिर अगली ब्लॉग में आप लोग से मिलती हूँ।